नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रश्न और उत्तर हैं। इन प्रश्नों के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं, तो साथियों यदि आप ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए साथियों जानते हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। संस्कृत के जो शब्द हैं हम कैसे बोले, तो आइए जानते हैं। छात्र है, छात्र मीन्स विद्यार्थी। शिक्षक है, अध्यापक है या टीचर। गज है, हाथी। घट है, घड़ा, जिसको मटका भी बोलते हैं। मयूर है, मोर। मकर है, मगरमच्छ। दीपक है, दीपक। शुक है, तोता, जिसको इंग्लिश में पैरट भी बोलते हैं। विडाल है, कैट, मेल कैट, जिसको हम बोलते हैं मेल केटी बोलते हैं। नर बिल्ली। अश्व है, घोड़ा। बालक है, लड़का। मूस है, चूहा। चंद्र है, चंद्रमा। अभ्यास है, अभ्यास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस, और हिंदी में इसका है दोहरा। चालक है, चालक, जिसको हम इंग्लिश में ड्राइवर भी बोलते हैं। गायक है, गाने वाला, गायक। नंबर 2 है खे। तो साथियों ये क्वेश्चन है जो आपको बुक में देखना है क्वेश्चन, और उनके आंसर मैंने लिखते हैं। चित्राणि, चित्रों को दृष्ट्वा देखकर पदानि पद उच्चार्यत उच्चारण कीजिए। चित्र दिए हुए हैं आपके पुस्तक में, उन चित्रों को देख करके पद उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किसान का चित्र होगा तो कृषक है, कृषक मीन्स किसान। फिर वृषभ है, इधर से देखिए जैसे मंडूक है, मेंढक। दूरभाष है, टेलीफोन। वृषभ है, बैल। कपोता है, कबूतर। काक है, कौवा। भल्लूक है, भालू। पर्यंक है, पलंग। सोचिक है, दर्जी। एक बार फिर, कृषक है, मंडूक है, दूरभाषे है, वृषभ है, कपोता है, काक है, भल्लूक है, पर्यंक है, सोचिक है। क्वेश्चन संख्या 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण का मतलब अक्षर, संयोजने जोड़ने से पदम लिखत, पद लिखी। देखिए साथियों इस चे और ए को यदि जोड़ते हैं, चे और ए को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, चे। ये चे प्राप्त, ठीक है। उसी प्रकार शे और ए को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शे, ठीक है। इसी प्रकार से के और ए में विसर्ग इसको जोड़ते हैं तो हमें के प्राप्त होता है। तो ये बन गया चषके है। चषके का मतलब होता है गिलास, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से से और औ को जोड़ते हैं तो शव बन गया। क्या बन गया, शव। और चे और ई को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ची, ची प्राप्त। और के और ए प्लस करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, कह। तो ये हुआ सोचिक है। सोचिक का मतलब होता है दर्जी, टेलर। नेक्स्ट है से और उ, तो ये बन गया यहां पर शू, ठीक है। से में उ मिलाएंगे तो शू बन गया। फिर है ने और ए, ने और ए मिलाएंगे तो स्वर से युक्त ने बन गया, जिसमें हलंत अट गया ने में। और के और औ मेल करते हैं, मिलाते हैं तो कव हो गया। तो ये शब्द बना सुनकव। सुनकव का मतलब होता है दो कुत्ते।
नेक्स्ट है धे प्लस आ, तो मतलब धा, धे प्लस आ धा। और यहां पर वे, और वे में ई जोड़ेंगे साथियों, ये ई ई जोड़ेंगे, यहां पर ए लिखा गया गलती से, ये सॉरी ई जोड़ेंगे, बस एक मिनट वेट करना है। यहां पर ई जोड़ना है और ये ई जुड़ गया, तो वे प्लस ई तो वी बन गया, और फिर ते प्लस ए तो ये बना ते, तो शब्द तो बना धावी ते है, धावी ते, ठीक है। नेक्स्ट है वे प्लस री, तो शब्द बना हमारा वो अक्षर बना व्री, और दे आधा धे, फिर धे और आ, तो शब्द बना हमारा वृद्धा, वृद्धा, इस दे में धे मिला हुआ है, वृद्धा, वृद्धा मीन्स बूढ़े लोग, ओल्ड। नेक्स्ट है गे प्लस आ, तो गा, गा बना, और ये प्लस ए तो ये बना, और ने ते और ने, और यहां पर ने के बाद में प्लस ने ते और ई, नंती बना, तो ये शब्द क्या बन गया, गायंती, गायंती मीन्स गाते हैं, कौन गाते हैं, बहुत सारे गाते हैं, गायंती गाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए है पदानाम पदों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद प्रदर्श्य दिखाई, तो यहां पर देखिए लघु लिखा हुआ है, ले, ध्यान से देखेंगे इस ले में ए भी है, तो यहां पर ले और ए अलग कर दिया गया, तो ले बन गया, और जो घू है इस घू में घे और ऊ है, और विसर्ग लगा दी तो घे में ऊ लगा दिया तो घू बन गया, तो शब्द बना हमारा लघु। उसी प्रकार से सी, ये सी है, तो सी में से प्लस बड़ी ई हुई, तो सी हुआ। फिर आधा वह है, तो पद आधा वह यहां लिख दिया गया, तो सिब्बे, और पूरा ये लिखा हुआ साथियों, यहां पर पूरा ये लिखा हुआ है, तो पूरा ये में ये प्लस ए मिलाएंगे तो पूरा ये बन गया, और फिर ते प्लस ई में ती बन गया, तो शब्द बना हमारा सिव्यति, क्या बना सिव्यति। देखिए से प्लस ई सी, और फिर आधा वे ये प्लस ए तो पूरा ये, और ते प्लस ई ती, तो शब्द बन गया हमारा सिव्यति, मीन्स सिलाई करता है। फिर देखिए वर्ण, वे में ए मिला हुआ है, तो ये हो गया वे पूरा। फिर रे ऊपर है, जो भी इस रेखा से ऊपर रे आता है उसमें स्वर नहीं होता है, तो ये रे हो गया, इसमें कोई स्वर नहीं होगा। और नेक्स्ट है ना, ना में देखिए ण और आ, ये ना हो गया, तो इस प्रकार से वर्णा हुआ, वे प्लस ए वे, और उसके बाद में रे बोलेंगे, वे के बाद में रे बोले वर्णा, रे बोलेंगे तो ऊपर जो रे है इसमें स्वर नहीं होता है, इसलिए आगे प्लस नहीं किया गया, और ने प्लस आ, तो शब्द बना हमारा वर्णा, ठीक है। नेक्स्ट है कुकुर, जो कु है ये कु बना इससे क प्लस ऊ कु, और फिर आधा क है, फिर आधा क ये लिख दिया गया साथियों, आधा क उसमें स्वर नहीं होता है, फिर कु होगा तो क प्लस ऊ, फिर कु हो गया, फिर रे और औ, ये रव हो गया, तो ये शब्द बना हमारा कुकुरो, क्या शब्द बना कुकुरो, ये शब्द। नेक्स्ट है मैं और ए, तो मैं बन गया साथियों, ये मैं और ए मैं, जो यू है ये यू किससे बना, ये प्लस बड़ा ऊ, तो यहां पर यू बना, मैं प्लस यू प्लस बड़ा ऊ, ये प्लस बड़ा ऊ तो यू बना, और रे प्लस आ तो रा हुआ, तो यहां पर देखिए साथियों राहु, तो शब्द बना हमारा मयूरा। उसी प्रकार से देखिए बालक है, बा
तो ब प्लस आ बा और ल प्लस ए ले और क प्लस ए के, तो यहां पर विसर्ग भी आ जाएगी साथियों, ये विसर्ग। तो शब्द बना हमारा बालक है, क्या शब्द बना? बालक बना। तो इस प्रकार से बालक बना, ब प्लस आ ले प्लस ए के प्लस ए, बालक है। नंबर थ्री है उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यत पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए यथा का मतलब जैसे, यहाँ पर तीनों वचन लिख रखा, चस्के है एक गिलास, चस्कौ दो गिलास, चस्का बहुत सारे गिलास। बलिवर्दय मीन्स बैल एक, नेक्स्ट है बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दाह बहुत सारे बैल। सुनके है एक कुत्ता, सुनकौ दो कुत्ते और सुनकाह बहुत सारे कुत्ते। मृगे एक हिरण, मृगौ दो हिरण, मृगाह बहुत सारे हिरण। साथियों ये मृग एक वचन में है, मृगौ द्विवचन में है और मृगा मीन बहुवचन में है। सोची के एक वचन है, सोची के मीन्स एक दर्जी, तो एक वचन। सोची को दो दर्जी द्विवचन और सोची का बहुत सारे दर्जी बहुवचन। मयूर है मोर एक वचन, मयूरो दो मोर द्विवचन, मयूराह बहुत सारे मोर बहुवचन। अब देखेंगे दोबारा से, चस्के है एक वचन एक गिलास, चस्को द्विवचन दो गिलास, चस्का बहुवचन बहुत सारे गिलास। बलिवर्द है एक बैल एक वचन, बलिवर्दो दो बैल द्विवचन, बलिवर्दा बहुत सारे बैल बहुवचन। सुनके एक कुत्ता एक वचन, सुनको दो कुत्ते द्विवचन, सुनका बहुत सारे कुत्ते बहुवचन। इस प्रकार से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्या लिखा हुआ कि चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके संस्कृत पदानि लिखकर संस्कृत पद लिखिए। तो साथियों चित्र तो आप अपनी बुक में देखेंगे, तो चित्र यहाँ पर अपनी बुक में लिखा हुआ है हाथी का, हाथी को हम संस्कृत में बोलते हैं गज है। फिर कौवे का चित्र बना हुआ हुआ उसको बोलेंगे काक है, काक मीन्स कौवा। फिर चंद्रमा का चित्र बना हुआ है तो उसको बोलेंगे चंद्र है, चंद्रमा। फिर लोक एलओसी के लोग, ताले का चित्र बना हुआ उसको बोलेंगे ताले है। फिर भालू का चित्र बना हुआ उसको बोलेंगे भल्लू का है। फिर बिल्ली का चित्र बना हुआ है जिसको हम स्त्रीलिंग में मार्जारी बोलेंगे, और पुल्लिंग है अगर नर है तो विडाल है बोलेंगे, ठीक है। तो विडाल ही जी है तो विडाले भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। क्या है बालक किम करोती, ये प्रश्न है। बालक के मीन्स क्या, करोती मीन्स करता है, बालक क्या करता है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि बालक है लड़का, पढ़ती पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि अश्व दो घोड़े किम कुरुते, क्या करते हैं। तो चित्र में दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्व दो घोड़े क्या कर रहे हैं, धावते है, दौड़ रहे हैं, ठीक है। चित्र में लिखा हुआ है कि कुकुराहा कुत्ते किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। तो आंसर है कुकुरा कुत्ते भुक्कन्ति, भौंकते हैं। फिर नेक्स्ट है छात्रौ दो छात्र किम कुरुते, किम मीन्स क्या, कुरुते मीन्स करते हैं, दो छात्र क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रौ दो छात्र उत्तिष्ठते है, खड़े हैं। नेक्स्ट है कृषक किसान किम क्या करोति, करता है किसान क्या करता है। तो लिखा हुआ है कृषक है किसान, क्षेत्रम खेत को, कर्षति जोतता है, किसान खेत को जोतता है। गजौ दो हाथी किम क्या कुरुते, करते हैं, दो हाथी क्या करते हैं। तो लिखेंगे गजौ दो हाथी चलता है, चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। नेक्स्ट है पदानी पदों को संयोज्य जोड़ करके वाक्यानि वाक्य रचयत बनाओ, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाओ। तो अब साथियों देखिए यहाँ पर ध्यान से, गजाहा, गजा मीन्स हाथी, बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया क्या होगी, गजाहा। गजाहा बहुवचन की क्रिया क्या होगी, अगर द्विवचन होता तो क्या होता। यहाँ पर देखिए बहुवचन की क्रिया क्या होगी, ये देखेंगे।
तो बहुवचन क्रिया होगी साथियों, अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, केवल एक मिनट का समय देंगे। गजाकी होगी, क्रिया होगी साथियों गजाकी, गजा की क्रिया होगी यहां पर चलंती। क्या गजा प्रथम पुरुष बहुवचन है, चलंती भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। नेक्स्ट है सिंघव, दो शेर क्या करते हैं, गर्जते गर्जते। सिंघव द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, गर्जते ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, ठीक है। गायक है, एक गायक क्या करता है, गायती गाता है। एक गायक क्या करता है साथियों, एक गायक क्या करता है, गायती गाता। नेक्स्ट है बालक, दो बालक लिखेंगे, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। फिर मयूराहा, बहुत सारे मोर, नृत्यंती नाचते हैं। तो ये हमारे एक तरह से वाक्य बन गए। एक बार फिर देखेंगे, गजाहा चलंती, सिंघव गर्जते हैं, गायक है गायती, बालक पढ़ते हैं, मयूराहा नृत्यंती। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि मंजूषा आते हैं, मंजूषा से, ये मंजूषा है साथी। पदम पद चित्वा सुनकर, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान, पूर्यत भरिए। अब देखिए यहां पर जो मयूरा दिया हुआ है, मोर क्या करते हैं, तो मोर साथियों क्या करते हैं, नाचते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम नृत्यंती। मयूरा प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी नृत्यंती, ठीक है। नेक्स्ट है गजव, गजव मीन्स दो हाथी, क्या करेंगे यहाँ पर द्विवचन देखिए, चलते हैं चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। नेक्स्ट है वृक्षा, वृक्ष मीन्स बहुत सारे पेड़, वृक्षा फलंती फल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंघव, दो शेर, दो शेर गर्जते हैं गर्जते हैं। नेक्स्ट है बांदर है, बंदर क्या करता है, खादती खाता है। और इसके बाद में अश्व है, घोड़ा क्या करता है, धावती दौड़ता है। एक बार फिर वाक्य देखेंगे, मयूरा नृत्यंती, गजव चलते हैं, वृक्षा फलंती, सिंघव गर्जते हैं, वानर है खादती, अश्व है धावती। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि स है, स मीन्स वह, तव मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, इति एतेभ्य का मतलब इनसे, उचितम उचित सर्वनाम पदम सर्वनाम पद चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूर्यत भरी। से तव ते इनमें से चुनकर के, सर्वनाम पद चुनकर के रिक्त स्थान भरी। जैसे यहाँ पर साथियों दे रखा है अश्व पुलिंग है, तो पुलिंग के लिए हम याद क्या यूज करेंगे, से धावती, ऐसे केस हो जाएगा। तो वाक्य बन गया हमारा, से धावती वह दौड़ता है, इधर क्या लिखा हुआ है, अश्व धावती घोड़ा दौड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है गजाहा, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे, ते, गजा चलंती हाथी चलते हैं, ते चलंती का मतलब वे चलते हैं, वे कौन, हाथी, तो यहां पर चलंत, ठीक है। छात्रो द्विवचन है, तो यहां पर भी छात्रो, दो छात्र का मतलब लिखेंगे वे दोनों, तो मीन्स वे दोनों, यहाँ पर दो छात्र क्या करते हैं, पढ़ता है पढ़ते हैं, और यहाँ पर तव वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वानरा, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो गया, ते, ते मीन्स वे, और यहाँ पर वानरा क्रीडंती, बंदर क्या करते हैं, खेलते हैं, ते क्रीडंती वे खेलते हैं, ठीक है। गाय का एक वचन है, तो हम उधर से भी एक वचन ही लिखेंगे, से ये भी एक वचन ही लिखेंगे, और गायक है गायती, गायक गाता है, यहाँ पर लिखेंगे हम से गायती वह गाता है। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पर मयूरा प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर ते भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, मयूरा बहुत सारे मोर नृत्यंती नाचते हैं, ते का मतलब भी वे सब नृत्यंती नाचते हैं, वे सब नाचते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।